सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है, देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड पर सुनाया, जो केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही जो SBI यूजर्स और राजनीतिक चंदा देते हैं, उनके लिए भी ये झटके से कम नहीं है, क्योंकि CGI ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर भी तत्काल रोक लगा दी, साथ ही बड़ी टिप्पणी भी की है। CGI का कहना है कि चुनावी बॉन्ड मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और ये ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका नहीं है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी होता है कि आखिर ये चुनावी बॉन्ड क्या है, जिसका असर आम लोगों पर भी पड़ता है। समझते हैं, चुनावी बॉन्ड एक सादा कागज होता है जिस पर नोटों की तरह उसकी कीमत छपी होती है। इसे कोई भी व्यक्ति या कंपनी खरीद कर अपनी मनपसंद राजनीतिक पार्टी को चंदे के तौर पर दे सकता है। बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रहती है। मोदी सरकार ने 2017 के बजट में इसकी घोषणा भी की थी, जिसे लागू 2018 में किया गया। हर तिमाही में SBI 10 दिन के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करता है। चुनावी बॉन्ड स्कीम के मार्फत डोनर यानी कि दान देने वाला कोई शख्स, कंपनी, फर्म या एक ग्रुप का हो सकता है और वो 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1,00,000 रुपए से ज़्यादा के बॉन्ड को खरीदकर उसे चंदे के तौर पर राजनीतिक दलों को दे सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में दान देने वाले की पहचान गोपनीय रखने की बात थी, जो कईयों को नागवार भी गुजरी, और इसी को लेकर पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था। हालांकि इस बॉन्ड में एक और दिलचस्प शर्त थी कि जिस भी पार्टी ने लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% हासिल किया हो, वही इस स्कीम के जरिए चंदा हासिल कर सकता है। यानी कि साफ था कि नई पार्टियों को इसके जरिए चंदा नहीं मिल सकता है। बता दें कि देश के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस एक्ट के जरिए लेकर आए थे। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने सितंबर 2017 से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी पारदर्शिता और दूसरी गंभीर चिंताओं पर सवाल खड़ा किया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी राजनीतिक फंडिंग पारदर्शिता को प्रभावित करती है और मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी को कुल बॉन्ड का 60% से ज्यादा मिला। अगर नागरिक को उम्मीदवारों और उनकी संपत्ति और आपराधिक इतिहास के बारे में जानने का अधिकार है, तो यह भी पता होना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों को कौन फंडिंग कर रहा है। इसी मामले में कोर्ट ने पिछले साल 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच तमाम कानूनी संवैधानिक पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई की। ये केस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी अन्य के नाम से देश की सबसे बड़ी अदालत में सुना गया। एक ओर जहां सरकार इसे साफ सुथरी राजनीति की दिशा में कदम की बात कह रही थी, तो वहीं विपक्ष इसे भ्रष्टाचार, घोटाला, रिश्वत, अवैध कमीशन का नया नाम और काले धन को वैध बनाने की साजिश करार दे रहा था। इसी को जहन में रख चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 5 सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर पिछले साल लगातार 3 दिन सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला सुरक्षित रख लिए जाने के लगभग 100 दिन बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसकी बड़ी बातों पर गौर करते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करती है। 2019 से अब तक राजनीतिक दलों को चंदे का पूरा ब्यौरा SBI को देना होगा। SBI राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर चुनावी बॉन्ड की डिटेल दे, कैश करने की तारीख का भी ब्यौरा दे। SBI सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे पब्लिश करे। राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं, ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कंपनी एक्ट में संशोधन मनमाना असंवैधानिक कदम है। इसके जरिए कंपनी की ओर से राजनीतिक दलों को असीमित फंडिंग का रास्ता खुला। निजता के मौलिक अधिकार में नागरिकों के राजनीतिक जुड़ाव को भी गोपनीय रखना शामिल है। इस बीच कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इसे क्यों लागू किया गया था और इसके पीछे की क्या खूबी थी, सरकार क्या दलील देती रही। सबसे पहले जानते हैं क्यों जारी हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड। रिपोर्ट्स की माने तो चुनावी फंडिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने साल 2018 इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी। 2 जनवरी 2018 को तत्कालीन मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अधिसूचित किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत लाए गए थे। ये बॉन्ड साल में
चार बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किए जाते थे। इसके लिए ग्राहक बैंक की शाखा में जाकर या उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर इसे खरीद सकता था। क्या थी इलेक्टोरल बॉन्ड की खूबी, ये भी हम आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए तक के मूल के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता था। ये व्यवस्था डोनर की पहचान नहीं खोलती और इसे टैक्स से छूट भी प्राप्त है। बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अगर दानदाता नगद चंदा देगा तो पता चल जाएगा कि उसने किसे कितना पैसा दिया, इससे दूसरी पार्टियां नाराज हो जाएंगी। हालांकि इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अगर ऐसा होता है तो फिर सत्ताधारी पार्टी विपक्षियों के चंदे की जानकारी क्यों लेता है, क्या SBI के पास दानदाता की जानकारी नहीं है, एजेंसियों के लिए भी गोपनीय नहीं है। अब राजनीतिक दलों को चंदे की समस्या से जूझना होगा, चुनाव में खर्च के लिए अन्य सोर्स पर बात करनी होगी, आगे चंदा कैसे लिया जाएगा इसका विकल्प भी तलाशना होगा, चुनाव आयोग से राय मशविरा भी करना होगा, कोर्ट से भी विकल्प देने की मांग की जा सकती है। अब क्या होता है आगे, ये देखने वाली बात होगी। इस स्टोरी को हमारे साथी मंचकार ऋषभ ने तैयार किया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।